नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। आज की डेट है 19 जुलाई 2019 और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 19 जुलाई 2019 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे पिछले करंट अफेयर के पर आधारित कुछ प्रश्न भी पूछूंगा। इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति पर किस प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएं कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया है। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंद्रयान 2 मिशन, जो कि भारत का बहुप्रतीक्षित मिशन है, यह कब लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रयान 2 मिशन अब इसरो के द्वारा 22 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। तो इससे पहले भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि 15 जुलाई को ये मिशन लॉन्च होने वाला था और चंद्रमा पर भारत की तरफ से किया जाने वाला यह दूसरा मिशन था। इससे पहले चंद्रयान आया था, मिशन चंद्रयान, जो कि 2008 में आया था। लेकिन इन दोनों में मुख्य रूप से अंतर क्या है कि इस बार जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन होगा इसमें हमारा एक लैंडर होगा जो कि जा करके चंद्रमा पर लैंड करेगा। लेकिन 2008 में जो मिशन था उसमें केवल एक आर्बिटर था जो कि चंद्रमा के चक्कर लगा करके वापस आ गया था। दो नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं, एक तो हमारा है लैंडर जिसका नाम है विक्रम और एक हमारा है रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान। इसके अलावा GSLV MK3 के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। तो आज मैं वीडियो में आपको डिटेल नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि PDF को एडिट करते समय सारी डिटेल जो थी वो इरेज हो गई थी। तो इसीलिए आज मैं आपको डायरेक्टली सारी चीज़ें बताते चलूँगा, कल से वीडियो में आपको डिटेल भी दिखाई देगी। तो 22 जुलाई को चंद्रयान 2 मिशन पुनः लॉन्च किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि किस देश की गो ग्लोबल इनिशिएटिव को अब भारत तक विस्तारित किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इंग्लैंड की एक पहल है जिसका नाम है गो ग्लोबल इनिशिएटिव और इसे अब भारत तक विस्तारित किया जाएगा। तो मुख्य रूप से व्यवसाय के क्षेत्र में और किसी देश में तकनीक को और बढ़ावा देने के लिए गो ग्लोबल पहल की शुरुआत की गई थी इंग्लैंड के द्वारा। तो इससे क्या होगा कि जो भारत में नए स्टार्टअप हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, नए जॉब्स की क्रिएशन होगी। तो याद रखिएगा गो ग्लोबल पहल को अब इंग्लैंड के द्वारा भारत तक विस्तारित कर दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि टाटा कंपनी अब भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसे जारी किया ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट, इसे हम लोग कहते हैं, रुकिए थोड़ा सा, हाँ इसका नाम है पूरा ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि टाटा की जो वैल्यू है वह 2018 से 2019 के बीच में 37% की बढ़ोतरी हुई है और इस तरीके से इसका जो कुल एसेट है वह 14.2 से बढ़कर के अब पहुंच गया है 19.2 तक। तो 37% की बढ़ोतरी हुई है और दूसरे स्थान पर है LIC इंडिया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कोको कोला, जो कि अमेरिका की एक पेय पदार्थों की कंपनी है, इसके द्वारा भारत व दक्षिणी पश्चिमी एशिया के लिए किसे उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सरबिता सेठी को कोको कोला के द्वारा भारत और दक्षिणी पश्चिमी एशिया के उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब यहाँ पर एक नाम आपको और याद रखना है, वह है हर्ष भूटानी का। हर्ष भूटानी को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है, यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, सरबिता सेठी बनी है उपाध्यक्ष और हर्ष भूटानी यहाँ पर बने हैं CFO। अगला हमारा प्रश्न है कि बर्नार्ड अर्नाल्ट, जो कि दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं, ये किस देश के निवासी हैं। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बर्नार्ड अर्नाल्ट, जो कि एक बिजनेसमैन हैं, फ्रांस के ये निवासी हैं और अभी इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पीछे छोड़ करके दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है रिपोर्ट के बारे में, इस रिपोर्ट का नाम है ब्लूमबर्ग बिलेनियर रिपोर्ट और इसे ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किया गया। यहाँ पर पहले स्थान पर है अमेजन कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस, दूसरे स्थान पर हम
बर्नाल्ड अर्नाल्ट आ गए हैं और तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। तो ये भी डिटेल आपको याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है कि एशियन विकास बैंक द्वारा 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एशियन विकास बैंक, जिसे हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, इसके द्वारा भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट का एस्टिमेट किया गया और ये आपकी होगी 7%। ये आपको याद रखना है। इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा भी भारत के जीडीपी ग्रोथ की रिपोर्ट आई जो कि है 6.8% 2018-19 के लिए और 7% ये है 2019-20 के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। कुल मिलाकर के सदस्य देश इसमें है 68 और इस बार यूपीएससी में डायरेक्टली इससे प्रश्न भी पूछा गया। मुख्यालय इसका आपको मिलेगा मनीला फिनलैंड में और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है ताकेहियो नकाओ। तो ऑप्शन बी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि किस देश में इबोला वायरस के कारण वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। तो ऑप्शन यहां पर आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कांगो, जो कि अफ्रीका का एक देश है, यहां पर इबोला वायरस के कारण वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। अब इबोला नामक जो डिसीज होती है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि मुख्य रूप से ये हमारी डिसीज अफ्रीका के इसी कांगो देश से शुरू हुई थी। इबोला वायरस के द्वारा ये फैलता है, मुख्य रूप से एक प्रकार का बुखार होता है जिसमें सिर दर्द या फिर आपके जोड़ों में दर्द, इस प्रकार से दिक्कत होती है और काफ़ी बार जो भी इसके पेशेंट होते हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस आतंकवादी को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हाफिज सईद को हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि इंडिया और यूएसए के प्रेशर के कारण इसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भी कभी कभी पाकिस्तान की सरकार के द्वारा हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हालांकि उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता है। तो ये गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैंने FATF के बारे में आपको बताया था और FATF के द्वारा, जिसे हम लोग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के क्षेत्र में ये पूरे विश्व में कार्य करती है और इसके द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था। तो आगे आने वाले समय में यानी कि अक्टूबर में इसकी अगली बैठक होनी है। तो पाकिस्तान को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि टेरर फंडिंग के लिए पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए और इसे ब्लैक लिस्ट में रखा जाए। तो इसी कारण जो हाफिज सईद है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है दिखाने के लिए, जिस प्रकार से 2001 में गिरफ्तार किया गया था जब संसद पर हमला हुआ था, फिर 2008 में गिरफ्तार हुआ जब मुंबई पर हमला हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि टैबोर एथलेटिक्स मीट में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि हिमा दास ने 200 मीटर में यहां पर स्वर्ण पदक जीता है। और अगर हम मोहम्मद अनास की बात करें तो इन्होंने 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। और हिमा दास के बारे में तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि इससे पहले इन्होंने पोजान एथलेटिक्स मीट में, जो कि पोलैंड में आयोजित हुआ, वहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। फिर इन्होंने कुटनो एथलेटिक्स मीट में, जो कि पोलैंड में हुआ, वहाँ पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और इसके बाद में चेक रिपब्लिक में हुआ था क्लांदो एथलेटिक्स मीट। क्लांदो और टैबोर ये दोनों आपके हैं चेक रिपब्लिक में, तो यहाँ पर भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और पिछले 15 दिनों में ये हिमा दास का कुल मिलाकर के चौथा स्वर्ण पदक है। तो इस तरीके की बेटियों के बारे में आपको ज़रूर देखना चाहिए, वो नहीं देखना चाहिए जो अक्सर न्यूज़ चैनल वाले दिखाते हैं और न्यूज़ चैनल वाले इनके बारे में कभी नहीं दिखाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा किस राज्य के लिए, तो अगला हमारा प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा किस राज्य के लिए दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के लिए मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा यहाँ पर दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई जाएगी, इसको मंजूरी दी गई है। तो मुख्य रूप से ये हमारा एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इसके अंतर्गत 2800 मेगावाट बिजली का निर्माण किया जाएगा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। इसकी कुल लागत होगी 28,080 करोड़ रुपए और यहाँ पर पहले चरण में 1600 रुपए जारी किए गए हैं। तो याद रखिएगा, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना जो कि अरुणाचल प्रदेश में शुरू की जाएगी।
अगला अरुणाचल प्रदेश के बारे में यहाँ पर आप थोड़ा देख सकते हैं, राजधानी इसकी है ईटानगर, राज्यपाल है बीडी मिश्रा और मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू, जो कि इसी वर्ष यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले भी ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जन जागृति अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई, तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जन जागृति अभियान की शुरुआत की गई है दिल्ली में, और इसे शुरुआत किसने की, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अभी हाल ही में दो खिलाड़ियों को, स्मृति मंधाना और रोहन बोपन्ना, इन दोनों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्मृति मंधाना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्रिकेट की खिलाड़ी हैं और रोहन बोपन्ना ये हमारे टेनिस के खिलाड़ी हैं। स्मृति मंधाना है महाराष्ट्र की और रोहन बोपन्ना है कर्नाटक के। अब ये अर्जुन पुरस्कार इनको 2019 के लिए नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार इनको मिला है 2018 के लिए। तो 2018 का पुरस्कार जब वितरित हुआ था तो उस समय ये दोनों लोग अवेलेबल नहीं थे, तो इसीलिए हमारे जो खेल मंत्री हैं वर्तमान में किरण रिजिजू, इनके द्वारा इस वर्ष इन दोनों को पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है जेईई रेडी ऐप किसके द्वारा भारत में शुरू किया गया, तो यह जो ऐप है यह शुरू की गई है अमेजन के द्वारा, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और मुख्य रूप से यह जो ऐप है यह शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगी, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि चीन ने किस देश को उपहार स्वरूप एक पीस 625 युद्धपोत दिया है, तो यहाँ पर चीन ने अभी हाल ही में उपहार स्वरूप श्रीलंका को P-625 युद्धपोत दिया है। और चीन और श्रीलंका के संबंधों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि चीन के द्वारा हम्मन टोटा नामक एक पोर्ट डेवलप किया गया था श्रीलंका में, और श्रीलंका ने जब इसका कर्ज नहीं चुका पाया तो 99 सालों के लिए लीज पर दे दिया है इसे चीन को। अगला हमारा प्रश्न है कि गूगल द्वारा संचालित साथी कार्यक्रम का किन राज्यों में विस्तार किया गया, तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गूगल द्वारा संचालित साथी कार्यक्रम का पंजाब और उड़ीसा इन दोनों राज्यों में विस्तार कर दिया गया है। अब यहाँ पर साथी कार्यक्रम क्या है, तो साथी कार्यक्रम मुख्य रूप से एक ऐसी परियोजना है या एक ऐसी स्कीम है गूगल के द्वारा जिसके माध्यम से जो भी ग्रामीण भारत की महिलाएं हैं उनको साक्षर किया जाएगा डिजिटल के क्षेत्र में, तो याद रखिएगा साथी कार्यक्रम के बारे में। अगला हमारा प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने शहीदों के परिवार को दी जाने वाली सहायता को 1 करोड़ कर दिया है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार ने शहीदों के परिवार को दी जाने वाली सहायता को बढ़ा करके अब 1 करोड़ कर दिया है। पहले ये जो सहायता राशि थी ये 25 लाख रुपए थी, तो इसे 4 गुना बढ़ा दिया है महाराष्ट्र की सरकार ने, तो ये आपको याद रखना है और 1 जनवरी 2019 से इसे लागू किया जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो करंट का सेक्शन हमारा यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र राज्य के बारे में जान लीजिए। राजधानी यहाँ की है गर्मियों में मुंबई, सर्दियों में नागपुर, राज्यपाल यहाँ के हैं सी विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं देवेंद्र फडणवीस और लोकसभा में 48, राज्यसभा में 19, विधानसभा में 288 और विधान परिषद में 78 सीटें हैं। कल मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था उनका उत्तर आपको बता दूं कि हिमालयी राज्यों के प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन हुआ मसूरी में। अगला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि अमेरिकी पेशेवर सर्किट खिताब को किस बॉक्सर ने लगातार 11वीं बार जीता है, तो ये जीता है विजेंदर सिंह ने। और अगला प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था कि किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को यूएसए ने अपनी क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच नियुक्त किया, तो ये नियुक्ति की गई है किरण मोरे को, जो कि पूर्व भारतीय विकेट कीपर हैं। अब आज की इस वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य की नई राज्यपाल कौन नियुक्त की गई हैं, इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा अकादमी रत्न से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा किसे, इसके बारे में आपको बताना है। और अगला प्रश्न है कि फैन मोजो द्वारा किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, और इसके लिए भी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो करंट का सेक्शन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब जो लोग वीडियो को स्किप करना चाहते हैं वह वीडियो को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया होती है वह हमारे भारत के राष्ट्रपति पर चलाई जाती है, तो आइए इसको एक एक करके समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है इसके बारे में अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है। किसमें?
आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में बताया गया है और ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है या संविधान में जो प्रोविजन दिए गए हैं उनका उल्लंघन किया जाता है तो उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि संविधान के उल्लंघन में किन चीज़ों को शामिल किया गया है इसके बारे में नहीं बताया गया है। सिंपली यहाँ पर लिखा गया है कि संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। अब ये प्रक्रिया चलाई कैसे जाती है, आइए इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे राष्ट्रपति हैं और संसद के किसी सदन को ऐसा लगता है कि इन्होंने संविधान के किसी प्रोविजन का उल्लंघन किया है तो इनके ऊपर ये महाभियोग चलाएंगे। तो महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी सदन से प्रारंभ होती है, यानी कि लोकसभा से भी शुरू हो सकती है या फिर राज्यसभा से भी ये शुरू हो सकती है। अब इसको शुरू करने के लिए होना क्या चाहिए, मान लीजिए लोकसभा से शुरू होती है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास में उस सदन के एक चौथाई लोग संकल्प पत्र पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और फिर ये जो प्रस्ताव होगा ये भेजा जाएगा हमारे अध्यक्ष के पास में। किसके पास में, अध्यक्ष के पास में। अध्यक्ष इसको स्वीकार करेंगे और फाइनली इसके बाद में इस पर होगी वोटिंग। वोटिंग होने के बाद में अगर संसद के जो सदन है उसके दो तिहाई सदस्य इसके पक्ष में होते हैं तो इसे, यानी कि जो प्रस्ताव है महाभियोग का, इसे उस सदन में पास मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक चौथाई लोगों के हस्ताक्षर होने के बाद में राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी नोटिस दिया जाना आवश्यक है, बाद में नहीं पहले ही, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया को शुरू करने के पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी नोटिस देना अनिवार्य है, ये चीज़ बताई गई है। अब मान लीजिए एक सदन में ये पास हो गई महाभियोग की प्रक्रिया तो फिर इसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा और अगर दूसरे सदन में भी ये दो तिहाई बहुमत से पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये पूरी प्रोसेस है। तो क्या चीज़ें आपको याद रखनी है कि आर्टिकल 61 है, शुरू किसी भी सदन से हो सकती है, पहले एक चौथाई लोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके इसे सदन के जो भी अध्यक्ष होंगे या सभापति होंगे उनको सौंपेंगे, लेकिन इसके पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देनी होगी और पहले सदन में दो तिहाई से पास होने के बाद में दूसरे सदन में अगर ये दो तिहाई से पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है वो आपको और याद रखनी है, वह चीज़ यह है कि जो भी हमारे संसद के चुने हुए सदस्य होते हैं, यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर, यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। याद रखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। और इसके अलावा जो भी राज्य विधानसभा के सदस्य थे जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था ये भी महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो सिंपली आपको याद रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वही केवल महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो आई होप आपको महाभियोग की प्रक्रिया समझ में आई होगी और जो ये पॉलिटी का सीजन चल रहा है ये भी आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है पॉलिटी में या करंट के किसी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी कि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत।